Hello everyone, welcome to my channel. This is Kushal and I have brought the second video on the third level. So let's start without wasting much time. Anyway, here is what happened at Grand Central. As you know that the writer is giving a description of Charlie, the protagonist, and Charlie had been to the third level. ठीक है, तो कहता है उसी की वो बता रहा है, अब थर्ड लेवल की ही बात बता रहा है. अब कहता है एनी वे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. ही इज गोइंग टू टेल व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि क्या हुआ वहां पर. वो ये है, वो जो बताएगा वो. वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. तो वन नाइट ही स्टेड एट द ऑफिस क्वाइट लेट, काफ़ी देर तक, मतलब वो ठहरा रहा. एंड ही वर्क इन द ऑफिस, ऑफिस में काम किया उसने. ठीक है, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. एंड देन ही वॉज इन अ हरी, ही वॉन्टेड टू रीच हिज home earlier, and so he thought of taking subway. ये uptown क्या होता है, residential areas in a city का residential area. ठीक है, तो वहाँ वो अब जल्दी में जाना चाहता था, यानी अपने घर पर जल्दी पहुँचना चाहता था, अपने apartment, अपने flat में. so I decided to take that subway. इसलिए उसे subway लेने का decide कर लिया. subway means जो underground trains वगैरह चलती है, जैसे metros वगैरह होती हैं. From Grand Central, because it's faster than the bus. क्यों? Because it took less time. ठीक है, less time. Okay. So, one day he worked till quite late in the office, and then he thought of taking subway to reach his house earlier. Okay. Now I don't know why this should have happened to me. कहता है अब मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ. He did not know why it happened only to him. ठीक है, ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ. I'm just an ordinary guy named Charlie. He's saying that he is a normal person. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पागल है, कि भाई उसको थर्ड लेवल दिखाई दिया तो भाई वो कोई पागल हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. तो वो एक आम आदमी है, एंड हिज नेम इज चार्ली, एंड 31 years old. एंड ही इज़ 31 years old. भाई 31 साल का एक नॉर्मल आदमी है, एक ऑर्डनरी आम आदमी है. एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गाबेडिन सूट. और जो वो है, क्या पहने हुए था, ही वॉज वेयरिंग ए 10 मीन्स येलो कलर का. ठीक है, ऑफ येलोइश कलर. गाबेडिन मीन्स लॉन्ग सूट्स. ये जो लॉन्ग सूट आप यू मे सी इन द पिक्चर, ये पीपल जो है पहने हुए हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो है. ठीक है, लंबे लंबे जो सूट, ये देखिए. तो इस तरीके से वो गाबेडिन सूट्स मतलब पहने हुए था. एंड एक स्ट्रो हैट भी पहने हुए था. ठीक है, स्ट्रो हैट क्या होती है, यस यू मे सी द स्ट्रो हैट इन द इमेज. आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रो हैट. तो इस तरह की हैट मतलब वो पहने हुए था. यस, विद अ फैंसी बैंड, और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड भी था. ठीक है, ही वॉज वियरिंग अ येलोइश गार्बेडिन सूट एंड अ स्ट्रो हैट विद अ वेरी फैंसी बैंड. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. ही सॉ अ डजन पर्सन्स हु लुक लाइक हिम. एंड आई वॉजन ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. एंड एक्चुअली ही वॉज नॉट मेकिंग एनी अटैम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, जस्ट वो अपने घर जाना चाहता था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लिजा माई वाइफ. ही वॉन्टेड टू रीच हिज वाइफ. ठीक है, वो अपनी वाइफ, जो उसके वाइफ का नाम क्या था, लुइजा. तो लुइजा के पास वो जल्दी में पहुँचना चाहता था, तो किसी चीज़ से वो बचना नहीं चाह रहा था. आई टर्नड इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. तो ये इस रास्ते से, इस जगह से, मतलब वो यहाँ पर, मतलब इससे रास्ते से होता हुआ वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँचा. कौन, चार्ली रिच्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम
Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. And he came to the first level. और वो stairs लेकर के step, ठीक है ना, वो आ गया मतलब first level पे. ठीक है, तो मतलब जैसे कि स्टेशन होता है, उसके बाद उसने सीढ़ियाँ ली जो बेसमेंट की तरफ जाती हैं, तो इस तरीके से फर्स्ट लेवल पर आ गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century एंड ऑन द फर्स्ट लेवल ट्रेन्स कुड बी टेकन, ट्रेन्स लाइक द 20th century कुड बी टेकन. जो 20th century की जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर चलती थी फर्स्ट लेवल के ऊपर, तो ये यहाँ से ली जा सकती थी. ठीक है, ट्रेन्स लाइक द 20th century कुड बी got on the first level. Then I walked down another flight to the second level. फिर क्या हुआ, he took another flight ली means another steps उसने ली and he reached the second level पे आ गया. Where the suburban trains leave from and from the second level the trains bound for suburban could be taken. Second level से trains कौन सी ली जा सकती थी, जो suburban area में जाती थी, suburban शहर से थोड़ा बाहर निकल कर, तो शहर से जो बाहर मतलब area था, उस area की तरफ जाने के लिए यहाँ से train ली जाती थी second level से. Ducked into an arched doorway heading for the subway. तो second level पे है, तो उसने क्या किया, ducked into an arched doorway, एक आर्क डोरवे में एंटर किया उसने. तो आर्क डोरवे क्या होता है, ऐसे मतलब इस टाइप से, इस तरीके से डोरवे जो होता है, आप यू मस्ट हैव सीन इंडिया गेट. ठीक है, आपने इंडिया गेट देखा होगा, उसकी शेप इस तरीके से है, और इस तरीके से जो डोर्स होते हैं उनको आर्क डोरवे बोलते हैं. तो उसमें उसने एंटर किया हेडिंग फॉर द सबवे एंड ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द सबवे, और सबवे की तरफ वो जा रहा है. ठीक है, एंड गॉट लॉस्ट, बट हियर ही वॉज लॉस्ट, यहाँ पर वो खो गया, सेकेंड लेवल पर वो खो गया. ठीक है, that's easy to do, he says that it is an easy thing, it is a common thing that one gets lost. ठीक है, ये आम बात है वहाँ खो जाना, क्योंकि वो जगह ही इतनी बड़ी है, कंफ्यूजिंग सी है ना, तो इसलिए हर कोई खो सकता है. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, however he had been there means at Grand Central station hundreds of times, वो बहुत बार वहाँ पर गया है, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors, लेकिन मैं हमेशा जो है, I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors, but हमेशा उसको क्या मिल जाते थे, bumping means by chance मिलना, वैसे टकराना भी होता है bumping, तो यहाँ पर come across by chance into new doorways, stairs and corridors, means every time he came across new doorways, stairs and corridors. हर बार उसको नए दरवाजे, stairs, सीढ़ियाँ दिखती, corridors उसको मिल जाते. ठीक है, once I got into a tunnel, और एक बार तो क्या हुआ, उसको एक tunnel दिखाई थी. ठीक है, वो tunnel में चला गया, about a mile long and it was about a mile long, एक मील लंबी थी, and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तो he went through the tunnel and he reached the lobby of the Roosevelt Hotel, और वो इस तरीके से Roosevelt जो होटल है अमेरिका में उसकी लॉबी में पहुंच गया. ठीक है, कहाँ से चल करके, जो सेकेंड लेवल पे कहता है कि मुझे टनल दिखाई दी, और अक्सर क्या होता था उसके साथ कि वो बहुत से उसको डोरवेज, स्टेयर्स और कॉरिडोर्स उसको मिल जाते थे, तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ. ठीक है, खैर अभी तो ये बात बता रहा है किसी और एक दिन की, कहता है कि एक दिन, एक बार क्या हुआ, मुझे यहाँ पर एक टनल दिखाई दी, सेकंड लेवल की बात चल रही है, और जो कि एक मील लंबी थी, और मैं इसमें चला गया, तो कहाँ निकला वो, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला. अनदर टाइम आई केम अप, और एक बार तो क्या हुआ कि आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुँच गया. ठीक है, ऑन 46th street, दिस बिल्डिंग वॉज ऑन 46th street, ये 46th street पे थी, में थी, 3 blocks अवे, और 3 block दूर पड़ती थी, मतलब किससे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ये बिल्डिंग. ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं जैसे अपने कॉलोनीज वगैरह होती हैं इस तरीके से, तो ब्लॉक्स, 3 blocks अवे. ठीक है, तो उस दिन की बात बता रहा है, और उसके साथ साथ वो पुरानी बातें भी याद कर रहा है कि एक बार क्या हुआ कि वो ऑफिस से लेट आ रहा था,
काफ़ी लेट हो गया था और अपने घर जल्दी पहुंचना चाह रहा था, कोई एस्केप नहीं करना चाह रहा था। तो उस दिन वो सेकंड लेवल पे गया और उसको कुछ टनल्स भी दिखाई दी और ये सब। तो बीच बीच में ये याद कर रहा है कि एक बार उसको टनल दिखाई दी तो उसमें चला गया, वो लॉबी में पहुंच गया रूजवेल्ट होटल की, और एक बार तो वो इस ऑफिस बिल्डिंग में ही पहुंच गया जो कि 46 स्ट्रीट में था ऑफिस, 3 blocks अभी है ना। तो ऐसा एक दिन उसके साथ ऐसा भी हुआ था। तो अब देखते हैं अब क्या हुआ। ये तो पहले की बात बता रहा है कि एक दिन वो ऐसे ऐसे पहुंच गया, रूजवेल्ट होटल में पहुंच गया और इसमें पहुंच गया इस तरीके से। तो देखते हैं, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली थिंक्स दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज जस्ट लाइक अ ट्री, है ना। जैसे ट्री बढ़ता है नीचे नीचे उसकी जड़ें बढ़ती हैं, है ना, ग्रो करती हैं, वैसे ही स्टेशन भी ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। ही कंपेयर्स यू नो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू अ ट्री बिकॉज जस्ट लाइक अ ट्री इट इज़ पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस। ठीक है, पेड़ की जड़ों की तरह ये भी अपने कॉरिडोर्स बढ़ा रहा है, स्टेयरकेसेस के भी बढ़ रहे हैं, तो ये पेड़ की तरह है। तो आगे चलते हैं। देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज। और यहाँ पर शायद एक बड़ी सी टनल है जो कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। तो एक बड़ी सी टनल है और दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि शहर में अंडरग्राउंड इसका रास्ता है। ठीक है, इस बात को कोई भी नहीं जानता। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और इसका जो रास्ता है वो टाइम स्क्वायर को जाता है, एंड मे बी अनदर, उसका दूसरा सिरा जो है वो तो सेंट्रल पार्क को जाता है। ये बात किसी को नहीं पता, ऐसा है कहते हैं, शायद ये बात किसी को पता नहीं। एंड मे बी, और हो सकता है शायद, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। और कहते हैं शायद ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग जो हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उनके लिए मतलब एग्जिट रहा हो कुछ लोगों के लिए थ्रू द ईयर्स। कुछ लोगों के लिए ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्जिट रहा हो, अ वे ऑफ एस्केप, हो सकता है कि ये एस्केप का साधन रहा हो। ठीक है, इसके माध्यम से हो सकता है लोगों ने बचने की कोशिश भी की हो, मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और इस तरीके से वो भी उस टनल में उस दिन पहुंच गया। किस दिन पहुंच गया? जिस दिन वो ऑफिस में लेट हो गया था उस दिन की बात बता रहा है। ठीक है, और इसके ये बातें बताते बताते वो बीच में एक दिन की और याद करने लग गया कि एक बार वो इस टनल में जाते जाते रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, एक दिन वो किसी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहा है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर कहते हैं मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। ठीक है, कि वो थर्ड ही हैड बीन टू द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पे गया था और ये वाली बात कहता है मैंने पहले नहीं बताई थी। ठीक है, अपने दोस्तों को। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट। जो कॉरिडोर था मैं जिसमें चल रहा था, यानी सेकंड लेवल पे चल रहा है अभी ये। ठीक है, तो द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग, तो वो एंगलिंग करने लग गया। एंगलिंग मीन्स टर्निंग। द कॉरिडोर थ्रू विच ही वॉज वॉकिंग टर्नड लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। और ये मतलब स्लैंटिंग यानी कि नीचे की तरफ जा रहा था कॉरिडोर, जैसे रैम्प होता है इस तरीके से। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, एंड फॉर अ वाइल ही थॉट दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग। उसको लगा कि एक बार वो गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, स्टिल ही कैप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी चलता रहा। मन में था कि गलत जा रहा होगा, फिर भी चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, एंड ऑल ही कुड हियर वॉज द साउंड ऑफ हिज ओन फुटस्टेप्स। आवाज़ उसको जो सुन रही थी वो केवल उसके कदमों की आवाज़, उसके चलने की आवाज़। एंड आई डिडंट पास अ सोल, एंड ही डिड नॉट सी इवन अ सिंगल पर्सन देयर। वहाँ पर उसको सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं दिया। देन सोल से मतलब पर्सन। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। एंड देन ही हर्ड होलो रोरिंग साउंड, जैसे होती ना खाली जगह पे थोड़ी आवाज़ गूंजती है, तो उसी टाइप की आवाज़ उसको मतलब सुनाई दी। देन ही हर्ड होलो रोरिंग साउंड अ बिट अहेड, थोड़ी आगे। एंड इट मैंट देर वॉज ओपन स्पेस एंड देर वर सम पीपल हु वर टॉकिंग। ठीक है,
तो लोगों की आवाज़ जो कि गूंज रही थी, तो वो यानी कि उसको समझ गया कि आगे कुछ खाली स्पेस है और लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं की रोरिंग की आवाज़ थी। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट एंड देन द टनल टर्न्ड लेफ्ट, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट में मुड़ गई। पहले शुरुआत में थी लेफ्ट की तरफ थोड़ा जाना, अब एकदम से लेफ्ट में मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और देखिए फिर जो है टनल जब मुड़ी बिल्कुल लेफ्ट में, तो आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैंने स्टेयर्स ली, ठीक है, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और इस तरीके से वो कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पे पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, फॉर अ वाइल ही थॉट दैट ही हैड कम बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक मिनट के लिए, एक पल के लिए उसको लगा कि मतलब वो तो वापस जो है सेकेंड लेवल पे पहुंच गया है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, बट ही ऑब्जर्व दैट द रूम्स वर स्मॉलर, कि वहाँ पर जो रूम था मतलब वो बहुत छोटा था। देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड देर वर ओनली अ फ्यू टिकट विंडोज, वहाँ पर कुछ एक मतलब टिकट विंडोज थी, ठीक है, एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और कुछ एक वो थी मतलब टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेट्स थी कुछ एक, ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, एंड देर वॉज एन इंक्वायरी बूथ, और एक इंक्वायरी बूथ था वहाँ पर सेंटर में, एंड इट वॉज मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग, एंड इट वॉज लुकिंग ओल्ड फैशन्ड, ठीक है, ये ओल्ड फैशन था क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था, तो इसका मतलब ओल्ड फैशन था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड ए लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। तो देखिए द मैन हु वॉज सिटिंग इन द इंक्वायरी बूथ वॉज वियरिंग अ ग्रीन आई शेड, वो एक ग्रीन आई शेड पहने हुए था। आई शेड क्या होती है, आई शेड इट जस्ट लाइक अ कैप, एक थोड़ी सी कैप की तरह होती है, लेकिन कैप तो सिर के ऊपर से कवर्ड होती है, तो ये कवर्ड नहीं होती सिर के ऊपर से, इस आईज आईज को कवर करती है मतलब, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, एंड ही वॉज वियरिंग लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, जैसे स्कूटी वगैरह चलाने के लिए हाथों को हम कवर करते हैं, स्लीव प्रोटेक्टर्स हम पहनते हैं, इस तरीके से वो पहने हुए था। कौन, द मैन एट द इंक्वायरी बूथ। ओके, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, द लाइट्स वर डिम देयर, लाइट्स जो थी वो बहुत डिम थी, सो द प्लेस वॉज ग्लूमी एंड यू नो द लाइट्स वर फ्लिकरिंग, जो लाइट्स थे वो फ्लिकरिंग कर रही थी, फ्लिकरिंग मीन्स फ्लटरिंग, फड़फड़ाना और फ्लक्चुएटिंग, तो लाइट्स जो थी वो फ्लक्चुएटिंग टाइप में कर रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी। देन आई सो वाई, देन ही ट्राई टू फाइंड आउट वाई द लाइट्स वर फ्लिकरिंग, वाई द लाइट्स वर फ्लक्चुएटिंग, फ्लटरिंग, ओके, तो दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, एंड ही केम टू नो दैट दे वर फ्लिकरिंग बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, जैसे गैस की लाइट्स होती है, ठीक है, लैम्प टाइप में होते जो, तो उस तरह के वो लैंप्स थे, गैस लाइट्स वगैरह थी, इसीलिए जो है ना उनमें फ्लिकिंग हो रहा था। ओके, यस, देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे, ठीक है, स्पिटून्स क्या होते हैं, एक कंटेनर होता है स्पिट करने के लिए, स्पिट फेंकने के लिए। यू मे सी इन द इमेज, ओके, दिस इज स्पिटून, ये एक लोटे टाइप का होता है जो US में मतलब स्पिटून्स जो बोला जाता है, ठीक है, यस, देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और कहता है कि जो ब्रास स्पिटून्स फ्लोर के ऊपर रखे हुए थे स्पिटिंग के लिए, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट, लाइट की चमकने, ग्लिंट मीन्स शाइनिंग, ठीक है, लाइट की मतलब ग्लिंट ने कॉट माई आई, कहता मेरी नज़र उसकी तरफ गई, किसकी तरफ, लाइट की तरफ, ठीक है। देन अ ग्लिंट ऑफ लाइट अट्रैक्टेड हिज आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, तो ये लाइट कहाँ से थी, गोल्ड वॉच की लाइट थी ये,
अ मैन वॉज टेकिंग आउट हिज गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी वेस्ट की पॉकेट से एक्चुअली वो गोल्ड की वॉच निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने क्या किया, स्नैप्ड ओपन, तो उसने उसको खोला द कवर, उस वॉच के कवर को. ही ओपन द कवर ऑफ द वॉच, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, एंड ही ऑब्जर्व द टाइम एंड देन गेव फ्रॉनिंग एक्सप्रेशन. और फ्रॉनिंग एक्सप्रेशन उसने दिया. फ्रॉनिंग का एक्सप्रेशन क्या होता है, जो थोड़ा सा माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है या फिर गुस्से वाला एक्सप्रेशन होता है. ही वोर अ डर्बी हैट, एंड ये आदमी जो था जिसने वॉच निकाली थी ऐसे, ठीक है, ये डर्बी हैट पहने हुए था. डर्बी इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ हैट, एक प्रकार की हैट होती है, ठीक है. डर्बी, डर्बी मीन्स कैसी होती है, लेट मी शो यू. यस, यू मे सी द डर्बी हैट इन दिस इमेज. दिस इज कॉल्ड डर्बी हैट, ये डर्बी हैट है, ओके. यस, तो डर्बी हैट को पहने हुए था. ए ब्लैक फोर बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और एक ब्लैक फोर बटन वाला सूट पहने हुए था टाइनी लेपल्स के साथ, ठीक है. ये भी मैं आपको दिखा. यस स्टूडेंट्स, यू मे सी फोर बटन सूट्स विद टाइनी लेपल्स, ये जो हैं ये फोर बटन सूट्स होते हैं, ठीक है. देखा था थर्ड लेवल के. Yes, you may see handlebar mustache, okay, and sideburns. Sideburns here. आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है. This is called, ये कान के पास जो hair grow करते हैं इनको बोलते हैं sideburns. तो मैंने कहता है अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी beards, इतने sideburns और इतनी fancy mustache मैंने नहीं देखी, ठीक है. He never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in his life as he observed at the third level of Grand Central Station.